नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और हर दिन शाम 4 बजे कोरोना से हटकर हम आपको एक अलग ही शाम दिखाते हैं। एक सुकून के पल यहां पर दिखाए जाते हैं जिसमें अलग अलग संगीतकारों को बुलाया जाता है, गायकों को बुलाया जाता है, किस तरह से वो अपनी शाम को यहां पर निखारते हुए नजर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात रहती है। कोरोना महामारी बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन इससे हटकर अब हम आपको एक अलग ही शाम जो है वो दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह मनहास हैं, और शायद ही सर बड़ा बड़ा स्वागत कर, और शायद ही मैं लगा था इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी सारे दर्शकों की, क्योंकि वो तुझे ऑलरेडी जान देना है। शुक्रिया, बड़ा धन्यवाद। और सर के साथ ही हमारे साथ चंदन हैं, राहुल भी हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आज हम देरी ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं और व्यूअर्स हमें 4 बजे से ही देखना शुरू हो गए थे, तो अब हिंदी को भी एक साइड पर रखकर, क्योंकि हिंदी को बाद में उठाएंगे, अब डोगरी भाषा के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो सर उन अच्छेर ना करते हुए, देरी ना करते हुए, सब तो पहले थोड़ा एक गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये डोगरी भाषा गाना है कि गल नहीं सार दे तो बोल नहीं हार दे, दिन दिन जवान तोली तोली लोग डोगरे। गल नहीं सार दे ते बोल नहीं हार दे, ओ दिन दिन जवान तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ओ मिठड़िए ओए ओए मिठड़िए डोगरे दी बोली, बोली के इतनी मिठी है कि जले बोलो तो दिले ही छूंदी है, सुकून दिंदी है। लेकिन शुरुआत जड़ी तुसे कीती है देवी देवते कने, ओ काबिले तारीफ ही, और चंडी माता दे भजन कने ते लोग जानदे ना तुसे ही। बिल्कुल, चंडी माता दे भजन मेरे काफी मशहूर ने और लोग से गांदे भी हैं, जिन्हें मेरी एक कारक है वो बड़ी मशहूर है, और कुछ और भी मेरी भेटा भी मशहूर ने, तो मैं कारक समय कलकत्या चलिए आई काल का रक्त दी तरियाई जी, ओ बिच बाबे बहुलोचन राजा आंधी काल का माई जी। कलकत्या चलिए आई काल का रक्त दी तरियाई जी, कि जिथे कोई भी नहीं जंदा या जिहड़ा काम नहीं बनता काली माता का नाम लो तो वह काम जरूर बनेगा। चाहना चाहते हो साढ़े दर्शक हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक गाने भी गाए, डोगरी गाने भी गाए और नाम भी काफ़ी कमाया, कुछ सुनाना चाहते हो अपने बारे में? जी, मैं 1991 शुरू किया अपना सफर गायकी का, उसके बाद पढ़ाई भी की, कने कने सीखते रहे म्यूजिक की। पहले मैं हिंदी गाने गाँदा हाँ, तो वो बाद फिर मेरा डोगरी बार रुझान हो गया, तो डोगरी गीत काफ़ी गाए और कुछ गीत मेरे बड़े मशहूर हुए,
तो देख तो समझी तक कुंजुआ ओ कुंजुआ मिली जाया चोरियो मिली जाया चोरियो कुंजुआ ओ कुंजुआ मिली जाया चोरियो मिली जाया चोरियो तेरे बगैर चित नहीं लगदा मिली जाया चोरियो मिली जाया चोरियो सर बड़ा के शैल गाना हा लेकिन ओदे कने कने मैं आज अपनी सहयोगी दी इंट्रोडक्शन कराना भूली गई है कि भी सब तो पहले थोड़े गाने वाले बखी इना ध्यान चली आ कि मैं अपनी सहयोगी दे बारे दसना भूली गई जसलीन कौर साढ़े गने ना जसलीन कुछ बोलना चाहोगी जी बिल्कुल बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ इस लाइव इंट्रैक्शन में इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं हमारी कोशिश रहती है उनके चेहरों पर जो है हंसी आए तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सर आपके लिए सुरेंद्र जी के लिए डिमांड करें कि यहाँ पर अलग अलग डोगरी गाने यहाँ वर्षा जम्वाल है जो कह रही है कदे नहीं दस्या कन्ने प्यार डोगरी एक गाना जो है तुसी गाओ लिख दी कर वर्षा शायद कल हमारे ऑफिस में पहुंची थी जसली बिल्कुल सर मैं दसना तुम कि कल वर्षा ऑलरेडी इधर बैठी है गाने गाई है गई है ना पर अज हूँ तुसें दिखा दी ना रूबरू करा दी ना तो वह भी चाहती है जी उनकी आखने की गल है तो अगर वो दसना चाहते हो तो सुनाई दो गाना गाना जरा दस कि कदे नहीं दसिया कन्ने प्यार डोगरी जम्मू दे ए शिंगार कोई गल ते नहीं आखा दिया कि तुसे कदे दसिया नहीं कि डोगरी कन्ने इन्ना प्यार है तुहानू चलो मैं एक फुगी तुर सुना तुहेंगी वो मैं साडे पुरम सिंह ने गाया फुगी लेकिन सी मैं पट्टी रिमिक्स किया मऊ जोगियां डंडियां ते पैनू जोगियां पंगा मऊ जोगियां डंडियां ते पैनू जोगियां पंगा ते मेरे जोगा ले आया छल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया मेरे जोगा ले आया छल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया मां पावे डंडियां ते पैन पावे पंगा मां पावे डंडियां ते पैन पावे पंगा ते खुली खुली जाए माड़ा छल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया खुली खुली जाए माड़ा छल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया दुद्ध पींदी कुड़ी ते मलाई कंदा मोड़ा दुद्ध पींदी कुड़ी ते मलाई कंदा मोड़ा ते दुद्ध दी करेड़ माड़ा पिल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया म्याऊं म्याऊं करे माड़ा पिल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया म्याऊं म्याऊं करे माड़ा पिल्ला ते मेरा दिल सड़ी हो गया लेकिन एक चीज मैं आखना चाहती कि इसलिए दर्शक जेडे तुहानू दिखा दे ना वो चंडी माता कने भी बड़े जुड़े दे ना और वो चाहते कि एक बारी सुरेंद्र और चंडी माता का भी कोई गाना सुनाना नहीं भुलन क्योंकि ज्यादातर एल्बम जेडी ही वो चंडी माता दी भी है ही आज एक नमन जेड़ा है वो चंडी माता की भी हुई है बिल्कुल जी मां चंडी बिना मेरा इतना आया ते वो पिंड जा जी सुना देंगे और उस पेड़ की इन्ना प्यार मिला कि यूट्यूब पर उस पेड़ की कोई 6 मिलियन जो लोग दिख चुके उस पेड़ की डोरी पेट है माए नी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल
माँ बड़े बनी बनी पौधे हो माए नी तेरे कुंडलुए बाल माँ बड़े बनी बनी पौधे हो ओ 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 माँ बड़े बनी बनी पौधे हो माए नी तेरे माए नी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल माँ बड़े बनी बनी पौधे हो माए नी तेरे कुंडलुए बाल माँ बड़े बनी बनी पौधे हो माए नी तेरे बाँ में चूड़ा लाल माँ बड़ा बनी बनी पौधा हो माए नी तेरे बाँ में चूड़ा लाल माँ बड़ा बनी बनी पौधा हो ओ 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 माँ बड़ा बनी बनी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल माँ बड़े बनी बनी पौधे हो माए नी तेरे कुंडलुए कुंडलुए बाल माँ बड़े बनी बनी पौधे हो। एक चीज है सर कि जले मचेल यात्रा शुरू होती है मी नहीं लगता कि किसी भी गड्डी च कोई और गाना लगता है इयो गाना बज जाता है ओदे विच मन दी गल की बिल्कुल जी ए लोके दा प्यार है कि ओ असें गी इना प्यार दिंदे ने साढ़े गाय पिटे प्यारे दिन उनका मैं बड़ा शुक्रिया धन्यवाद करना और बड़ा अच्छा लगता है कि जो सारे गीत बजे आते मंदिर बजे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उसलिए इंसान ये सोचता कि शायद जो काम किया अर्थ आई है अगे एक मुकाम अगर मिले तो बहुत चंगा लगे क्योंकि माता का आशीर्वाद रोना भी बड़ी जरूरी है और जो थोड़े उपर बने का भी है। सर एक और डोगरी गाना कोई शैल जहा बिल्कुल जी डोगरी सुनने एक मेरी फिल्म आई ही घुग्गी माँ डुआरी ये गल में भूलना भूलिए नहीं पूछना क्योंकि मैं अपने दर्शकों की भी दसा कि सुरेंद्र होरे ना कई ज्यादा फिल्में च भी गाने गाई चुके देना सर केड़ी केड़ी फिल्में च गाने गाए देना मैं एज ए मिस डटर भी ज्यादा एक फिल्म आई ही पंजाबी और ते जा कोई नहीं ओदे च गाया हां और एक सिंगूर फिल्म ही ओदा म्यूजिक किया मैं और एक फिल्म मेरी नवी आवाज यार की इबादत ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਦਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੀਤ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਸੰਤ ਜੁਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਬਿਆਹ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਪੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਬਿਆਹ ਨੀ ਪਾਪੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਬਿਆਹ साड़ा बिकराई दे बया नी तू पापिए साड़ा बिकराई दे बया नी पापिए साड़ा बिकराई दे बया कानी टीर कैंकरी ते पावे ओवा बोली कानी टीर कैंकरी ते पावे ओवा बोली कोई जल्दी के तुलड़ साड़े ला जल्दी के तुलड़ साड़े ला नी तू पापिए साड़ा बिक नी पापिए साड़ा बिकराई दे बया साड़ा बिकराई दे बया नी तू पापिए साड़ा बिकराई दे बया ਬਾਬੀ ਇਹ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਣੀ ਉੱਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੋਈ ਸੱਤ ਸੱਤ ਨੈਣ ਦਿਓ ਬੰਬ ਕੇ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾੜਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਬਣ ਕਟਾ ਸਾੜਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਬਣ ਕਟਾ ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਬੀ ਇਹ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਬਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਨੀ ਬਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਨੀ ਬਾਬੀਏ ਸਾੜਾ ਬਿਕਰਾਈ ਦੇ ਪਿਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਭਾਬੀ ਅਗਰ ਸੋਚਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਕਰੋਨਾ ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਏ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹਾਂ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰੇ ਨਾ ਚੁਣੀ ਚੁਣੀਏ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਨੇ ਚੁਣੀ ਚੁਣੀਏ ਗਾਣੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਏ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂਏ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂਏ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂਏ ਗੜਬੜ ਕੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਉਹ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਉਹ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ ਚੰਬੇ ਟਕੀਆਂ ਚੜਦੀ ਕੜੂ ਚੁੱਕ ਗੋਰੀਏ ਲੋਕਾ ਕੜੂ ਚੁੱਕ ਗੋਰੀਏ ਕੁੱਤੇ ਲਚਕਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਲਚਕਾਨੀ ਖਾਈ ਜਾ ਲੱਗ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਵੇ
सा मंगी पी गई पीड़ वे लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आबो सामने आबो सामने बोलू भी रुस के ना लंग माइया होए लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आबो सामने आबो सामने बोलू भी रुस के ना लंग माइया गाने भी बड़े गे चंगे लगते हैं। डोगरी भाषा च कोई भी गाना वो बड़ा चंगा लगता है, पर यह है कि ये भी बड़े गे प्यारे गाने लगते हैं। जसलीन कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कोई शादी वाला गाना भी सुना दो, और कुछ की डिमांड है खंड मीठे लोग डोगरे, ये भी गाना भी जो है इसकी भी डिमांड आ रही है। वहीं सैयद बिलाल है जो लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और लिख रहे हैं कि शान है साढ़े सुरेंद्र सिंह जी मनहास डोगरियां दे। और वहीं वर्षा जम्बोल भी हमारे साथ, ये तो कोई दोराए नहीं है, शान तो है ही है ना सुरेंद्र और साड़ी, क्योंकि डोगरी कने इस तरह जुड़े देना है, दिले कने जुड़े देना है। और सुरेंद्र जी उन अपने मने कने नहीं नहीं शादी का गीत उन्हें आख्या शादी का गीत इमली शखटी ही तिमरुषा तिखी ही खंडू कोला मिठी ही इमली शखटी ही तिमरू शतिखी ही खंडू कोला मिठी ही ओ कुड़ी जेड़ी जानिया च सारी रात नची ही ओ सारी रात नची सांबली सलोनी नहीं हसदी पलोनी नहीं संज करोंदी ओदी काली काली अखी सांबली सलोनी नहीं हसदी पलोनी नहीं संज करोंदी ओदी काली काली अखियें च पाखे जगीत है उसी गर्मी नसीत है उसी असने दा चा उसी नसन नबीत है खंडू कोला मिठी ही ओ कुड़ी जेड़ी जानी अच सारी रात नची ही ओ सारी रात नची ही ओ कुड़ी जेड़ी जानी अच सारी रात नची ही ओ कुड़ी जेड़ी जानी अच सारी रात नची ही। शैल गाना हा सर, ते डिमांड उपर जेड़ा तुसे गाया वो ते सब तू ज़्यादा प्यारा गाना हा, जानिया च जेड़ी कुड़ी नची ही वो सब तू शैल कुड़ी ही। और ये उन्दे लोके लिए जेड़े खास इस वेले डिमांड करा दे कुछ आखना चाहते, क्योंकि समय का भी अभाव है इस वेले और टाइम जेड़ा है वो होंगे ज़्यादा, कुछ आखना चाहते हो? बड़ा अच्छा तुम्हें कार्यक्रम शुरू किया है और इस कोरोना दौरान एक सुकून की घड़ी, बाकी सुकून की घड़ी है कि लोगों की जी टेंशन है कोरोना की, संगीत सुनिए शायद होंगे थोड़ा जहाँ दुख या दर्द है दूर होएगा। और मैं चाहता कि रोज़ इतने नवे नवे कलाकार और अपना अपना जो इतना थोड़ा सारे दर्शकों का जो मनोरंजन कर। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद सर इधर दफ्तर आने का और अपना इन्ना कीमती समय कड़ने का, सारे दर्शकों की अपने प्यारे प्यारे गाने सुनाने का, स्पेशली सारी डोगरी भाषा की प्रमोट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल चंदन आपका भी, क्योंकि पूरे तरीके करने उन्हें भी अपना सहयोग जड़ा है वो देता है। और जसलीन मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब हम आ गए हैं अपनी हिंदी भाषा पर और हर बार हम अपने दर्शकों से रूबरू होते हैं। जसलीन कुछ कहना चाहेंगे? जी, जाते जाते जो व्यूअर्स हमारे साथ थे उनके नाम मेंशन कर देती हूँ। ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ थे, और वहीं राहुल जम्बोल सिंगर हमारे साथ थे, और परवेज़ अहमद लिख रहे थे बहुत बढ़िया, और वहीं हमारे सर सुपनूर हमारे साथ थे, और वहीं हमारे साथ भक्ति हमारे साथ थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए, और बड़ा गे ज़्यादा धन्यवाद सर थोड़ा जिहड़ा अपनी टीम कने तुसे अपना समय जिहड़ा वो कढ़िया और साढ़े दर्शकें की एक सुकून का पल दिता कोरोना को लाटिए, और देखते रहिए आप कार्यक्रम।